फिलहाल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। चुनाव जीतने और अपने कामों को बताने के लिए हर पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता जनता के बीच जा रहे हैं। इस बार 400 पार के मिशन को देखते हुए बीजेपी का मेन फोकस उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता तक जाने का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए यूपी जीतना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही विधान परिषद के लिए घोषित 7 प्रत्याशियों में से 2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से से आए हैं। जीत का सहरा पहनने और विरोधी पार्टियों को मात देने के लिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में बिजनौर के रहने वाले अशोक कटारिया को फिर से टिकट दिया है। इससे पहले अशोक कटारिया योगी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वतंत्र प्रभार के रूप में परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। दरअसल अशोक कटारिया की पकड़ पश्चिमी यूपी के साथ दिल्ली और हरियाणा के गुर्जर और अन्य पिछड़ा वर्ग पर मजबूत मानी जाती है, इसलिए बीजेपी को अशोक कटारिया को टिकट देने से कई सीटों पर गुर्जर और पिछड़ा वर्ग के वोटों को अपनी तरफ लाने में फायदा हो सकता है। इसके साथ ही कटारिया का विधान परिषद का कार्यकाल अब पूरा होने वाला था। माना जा सकता है कि पार्टी ने उन पर फिर से विश्वास जताते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जरों के साथ पिछड़ा वर्ग में अपनी पैठ और मजबूत की है। अशोक कटारिया बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश की अमरोहा, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर समेत 7 सीटों पर हार मिली थी। बीजेपी की इस हार की मेन वजह किसान आंदोलन के कारण जाटों की नाराजगी को माना गया। जाटों को राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता है, इसलिए बीजेपी ने इस बार राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ गठबंधन किया है और कहीं ना कहीं उनके मुताबिक सीटों का बंटवारा भी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से टूटने के बाद विपक्ष के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति भी कमजोर हुई है। बावजूद इसके इस बार 400 पार के अपने मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी विपक्ष के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाकर उस पर अमल कर रही है। बीजेपी ने हर बार की तरह भी इस बार भी यूपी में गुर्जर और पिछड़ा वर्ग के साथ बाकी सभी वर्गों को साधने का काम किया है। बीजेपी ने जाट समाज को सोचते हुए मूल रूप से शामली के रहने वाले मोहित बेनीवाल को पहली बार विधान परिषद का टिकट दिया था। हालांकि मोहित बिजनौर से लोकसभा चुनाव की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बिजनौर सीट राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के खाते में चली जाने के बाद उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर मोहित बेनीवाल को राज्यसभा भेजे जाने की भी चर्चा जोरों पर थी, लेकिन तब भी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था, जिसकी वजह से जाट समाज को नाराज ना करते हुए बीजेपी ने मोहित को विधान परिषद में भेजकर जाट समाज में अपनी पैठ मजबूत की। आईआईटी पास मोहित बेनीवाल जाट बिरादरी से हैं। इसके पहले मोहित बेनीवाल पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। मोहित ने क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी पार्टी को नई दिशा दी थी। युवा वर्ग में मोहित बेनीवाल की अच्छी पकड़ मानी जाती है। उन्होंने पार्टी में पढ़े लिखे युवाओं को जोड़ा, इसका इनाम उन्हें विधान परिषद के टिकट के रूप में मिला। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विरोधियों को चित करने और ब्राह्मण समाज के साथ अनुसूचित जाति में भी अपनी पैठ मजबूत करने के लिए योगी मंत्रिमंडल में शामिल साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा और पुरकाजी के विधायक अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया था। अपनी इस रणनीति की वजह से पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 14 सीटों को जीतने का लक्ष्य साध रही है। मतलब बीजेपी की रणनीति इस बार पश्चिमी यूपी की सभी 14 सीटों पर विजय प्राप्त करने की है। इसके लिए वो कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रही। ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और पंजाबी समाज बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन इस बार 400 पार के मिशन को सफल बनाने के लिए पार्टी इनके साथ पिछड़ा वर्ग को मजबूती से जोड़ने के लिए उन्हें खास महत्व दे रही है। हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने चुनावी रण को जीतने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी है। टीम न्यूज़ नेशन।